हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विभा। प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन और दो रिलेटिव प्रोनाउंस हु और हुम डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम और दो रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, विच एंड दैट। सो लेट स्टार्ट द सेशन क्विकली एंड टॉक अबाउट विच। विच का यूज अब कहाँ करते हो? विच का यूज तब होता है व्हेन द एंटीसिडेंट इज अ नॉन लिविंग थिंग और एन एनिमल। हमने पहले जो डिस्कस किए थे हु और हुम, उनका यूज हम कहाँ पर कर रहे थे? जब सेंटेंस में एंटीसिडेंट कोई ह्यूमन बीइंग हो। यहाँ पर क्या है, एंटीसिडेंट क्या होगा? या तो कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई एनिमल। तब आप क्या यूज करते हो? विच। यहाँ पर हु और हुम नहीं आएंगे, यहाँ पर यूज होगा विच। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा, The books who you see on the table are not mine. This sentence is incorrect. Why? यहाँ पर देखो, आपने relative pronoun use कर रखा है who, और इससे पहले आने वाला noun, यानी कि जिसे हम antecedent भी बोलते हैं, वो क्या है? Books. अब books तो क्या है? Non living thing है। और अभी हमने क्या देखा? अगर antecedent non living thing है, तो आप किसका use करते हो? Which का। तो यहाँ पर who गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको यूज करना है which। The books which you see on the table are not mine. Clear? Next sentence देखते हैं, I lost the pen who she gave me. Again this sentence is incorrect. Same reason, यहाँ पर आपने relative pronoun क्या यूज कर रखा है? Who. Who का यूज तो कब करते थे? जब antecedent human being हो। पर यहाँ पर antecedent क्या है? अगर आपको नहीं पता है एंटीसिडेंट क्या होता है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि प्रीवियस वीडियो देख लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन की। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि एंटीसिडेंट क्या होता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। एंटीसिडेंट यहाँ पर देखिए क्या है, द पेन। अब पेन कोई ह्यूमन बींग नहीं है, पेन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग। इसलिए यहाँ पर आपको हु नहीं क्या प्लेस करना है, विच। आई लॉस्ट द पेन विच शी गेव मी। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई प्रीशियस ब्लू लैम्प हुम वॉज इन द रूम वॉज ब्रोकन। अगेन आपने यहाँ पर क्या यूज कर रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन हुम, जो कि कब यूज होता है, जब एंटीसिडेंट ह्यूमन बींग हो। लेकिन यहाँ पर तो एंटीसिडेंट क्या है, लैम्प। लैम्प अगेन अ नॉन लिविंग थिंग, इसलिए आपको यहाँ पर हुम नहीं क्या प्लेस करना था, विच। My precious blue lamp which was in the room was broken. तो आपको क्लियर हुआ ये चीज कि विच का यूज आप कब करोगे, जब सेंटेंस में एंटीसिडेंट क्या हो, नॉन लिविंग थिंग या फिर क्या हो, कोई एनिमल। अब बात कर लेते हैं दैट की। दैट का यूज आप कब करते हो, जब सेंटेंस में एंटीसिडेंट चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे एनिमल हो। अब आप कहोगे, हमने तो ये पढ़ा था कि हु और हुम का यूज होता है जब एंटीसिडेंट ह्यूमन बीइंग हो, या फिर विच का यूज होता है जब एंटीसिडेंट कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई एनिमल हो। एंड नाउ यू आर सेइंग कि दैट का यूज होता है। बिल्कुल होता है, दैट का यूज आप इन सभी के साथ यूज कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, व्हेन दे आर स्पेसिफिक, दैट्स द कंडीशन। वो जो हमने पढ़ा बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है, अगर आप किसी स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हो, अगर आप किसी स्पेसिफिक नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हो, या फिर किसी स्पेसिफिक एनिमल की बात कर रहे हो, उस केस में आप हु, हुम या विच नहीं लगाओगे। उस केस में आप क्या यूज करोगे, दैट। क्लियर? अब पता कैसे लगेगा कि ये स्पेसिफिक है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये वर्ड्स। द वर्ड्स यू आर सीइंग हियर, All, none, everything, anything, the same, the few, the little, the only, या फिर the के साथ कोई superlative degree of adjective, जो adjective की third degree होती है, जैसे good, better, best, तो best क्या है, superlative degree, bad, worse, worst, worst क्या है, superlative degree, जो third degree होती है adjective की, that is superlative degree। तो specific पता कैसे चलेगा, identification है उनके ये वर्ड्स। अगर आपको एंटीसिडेंट के साथ ये वर्ड दिखे मिल जाए, तो
तो आप क्या यूज करोगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का. क्लियर? सेंटेंसेस देखते हैं, कब आप हु हुम और विच का यूज ना करके दैट का यूज करोगे. लेट्स सी एग्जांपल नंबर वन. दिस इज द गर्ल हुम आई मेट इन द मार्केट. दिस इज द गर्ल हुम आई मेट इन द मार्केट. ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें. यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, द गर्ल ह्यूमन बींग है और ह्यूमन बींग के साथ आप हुम का यूज करते हो, बिल्कुल ठीक है. अगला ही सेंटेंस देखिए, दिस इज द सेम गर्ल दैट आई मेट इन द मार्केट. वही सेम सेंटेंस है, डिफरेंस क्या है, इज द सेम का. द सेम लगाकर आपने क्या कर दिया, इस एंटीसीडेंट गर्ल को स्पेसिफाई कर दिया कि ये वही सेम लड़की है जिसे मैं मार्केट में मिला था. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव प्लेस्ड दैट हेयर एंड नॉट हुम. क्लियर? वैसे अगर द गर्ल बोल रहे हो तो हुम बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आपने इसे स्पेसिफाई कर दिया, द सेम लिख दिया, तो यहां पर क्या आएगा, दैट. क्लियर? रीजन है ये द सेम. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई लॉस्ट द मनी विच आई हैड. अब यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, द मनी. नॉन लिविंग थिंग है इसलिए यहाँ पर आपका विच आया है और बिल्कुल ठीक भी है, नो एरर. नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या लिख दिया, आई लॉस्ट द लिटिल मनी दैट आई हैड. वही सेम सेंटेंस है, डिफरेंस क्या है, द लिटिल. यहाँ पर मैंने एंटीसीडेंट मनी से पहले क्या लगा दिया, द लिटिल. द लिटिल आने से आपने क्या कर दिया, इसे स्पेसिफाई कि मेरे पास जितनी भी मनी थी वो सारी की सारी मैंने खो दी. द लिटल इज अ रीजन कि यहाँ पर आपका क्या आया, विच नहीं, दैट. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा, आई लॉस्ट ऑल द मनी. अगेन ऑल इज द रीजन, यहाँ पर आपने क्या प्लेस किया, दैट एंड नॉट विच. क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया होगा कब आपको हु होम का यूज या फिर विच का यूज नहीं करना है, आपको कब दैट का यूज करना है, जब चीजें स्पेसिफाई हो गई हो. क्लियर? तो आप कभी कभी भी आप ये इन चीजों के साथ, चाहे ह्यूमन बींग के साथ या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ, आप दैट लिखा देखो तो उसे गलत नहीं कहोगे, क्योंकि हो सकता है वहां पर चीजों को स्पेसिफाई कर रखा हो और उनकी आइडेंटिफिकेशन होते हैं ये वर्ड्स, द सेम, द लिटिल, ऑल. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई सो द डॉग विच वॉज ब्लैक इन कलर. यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, द डॉग मीन्स एन एनिमल, इसलिए आपने क्या प्लेस किया, विच. हमने पढ़ा था विच का यूज करते हो, अब एनिमल हो जब एंटीसीडेंट, बिल्कुल ठीक है, नो एरर इन दिस सेंटेंस. इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे कह दूं, आई सो द सेम डॉग, यहाँ पर वर्ड क्या आ गया एंटीसीडेंट से पहले, द सेम, कि मैंने वही सेम डॉग को देखा जो ब्लैक कलर का था, इसलिए यहाँ पर अब आप क्या प्लेस करोगे, विच नहीं, दैट. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, अरुंधति रॉय इज द बेस्ट ऑथर दैट आई नो. यहाँ पर आपने एंटीसीडेंट, यहाँ पर क्या है, ऑथर, एक ह्यूमन बीइंग है, तो आप वैसे तो हु या हुम लगाते, बट आपने यहाँ पर क्या यूज कर दिया, द बेस्ट मीन्स द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसीलिए यहाँ पर आपने हु हुम ना प्लेस कर क्या प्लेस किया, दैट. क्लियर? अरुंधति रॉय इज द बेस्ट ऑथर दैट आई नो. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पर आप हु हुम का यूज करते हो, कहाँ पर विच का यूज करोगे और कहाँ पर दैट भी आ जाता है. क्लियर? एक और सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए क्या प्लेस करेंगे हु हुम विच या दैट में से. द मैन एंड हिज डॉग डैश, आपको यहाँ पर प्लेस करना है हु हुम या फिर दैट, आर जनरली सीन आर एब्सेंट टूडे. अब इस सेंटेंस में देखो एंटीसीडेंट देखते हैं क्या है, यहाँ पर एंटीसीडेंट मैन भी है और डॉग भी है, मीन्स एक ह्यूमन बीइंग भी है और एक एनिमल भी है, तो आप क्या प्लेस करोगे, आप इस ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग हु या हुम का प्लेस करोगे या फिर इस एनिमल के अकॉर्डिंग विच को प्लेस करोगे. अब यहाँ हु या हुम यूज करोगे या फिर विच, इनमें से कुछ भी नहीं. वाई? तो इसका एक रूल है, ये देखिए,
व्हेनेवर यू हैव पेयर ऑफ एंटीसीडेंट्स, मतलब कभी भी आपके सेंटेंस में आपको दो एंटीसीडेंट मिले, उनमें से एक तो हो पर्सन और एक क्या हो कोई एनिमल या फिर कोई थिंग, उस केस में आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हो, वहां भी आप यूज करते हो दैट का। क्लियर? ना हुम लिखोगे मैन के अकॉर्डिंग, ना विच लिखोगे डॉग के अकॉर्डिंग, आप किसका प्लेस करोगे, किसको प्लेस करोगे आप यहाँ पर दैट को, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, द मैन एंड हिज डॉग दैट आर जनरली सीन आर एब्सेंट टुडे। क्लियर? तो आई होप आपको विच और दैट क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पर आप इन रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हो। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस सेशन, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डिस्कस हुज एंड वॉट द नेक्स्ट टू रिलेटिव प्रोनाउंस। सो होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।